मोबाईल फोनची चोरी करणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांना पनवेल गुन्हे शाखा कक्ष 2 गजाआड केलंय. सलमान इक्बाल मुकादम असं या आरोपीचं नाव असून त्याच्याकडून 4.5 लाख रुपये किमतीचे 28 मोबाईल हस्तगत केलेत. हा गुन्हेगार ताब्यात आल्याने नवी मुंबई पुणे आयुक्तालयातील 10 गुन्हे उघडकीस आलेत. मोबाईल फोनची चोरी करणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांना पनवेल गुन्हे शाखा कक्ष 2 गजाआड केलंय. सलमान इक्बाल मुकादम असं या आरोपीचं नाव असून त्याच्याकडून 4.5 लाख रुपये किमतीचे 28 मोबाईल हस्तगत केले आहेत. हा गुन्हेगार ताब्यात आल्यानं नवी मुंबई पुणे आयुक्तालयातील 10 गुन्हे उघडकीस आलेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात मोबाईल चोरीच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढल्याने पोलीस आयुक्त बिपिन कुमार सिंग, सहपोलीस आयुक्त डॉक्टर जय जाधव, गुन्हे शाखेचे अपर पोलीस आयुक्त महेश घुरे यांच्यासह पोलीस अधिकाऱ्यांनी विशेष मोहीम राबवून मोबाईल चोरी करणाऱ्या गुन्हेगारांना पकडण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने पनवेल गुन्हे शाखा कक्ष 2 वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गिरीधर गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोबाईल चोरीच्या गुन्ह्यांचा तपास सुरू करण्यात आला. त्यानुसार गुन्हे शाखा कक्ष 2 सहाय्यक पोलीस निरीक्षक फडतरे, पोलीस नाईक अजिनाथ फुंडे यांनी केलेल्या तांत्रिक तपासावरून इक्बाल मुकादम या 23 वर्षीय चोराला सापळा रचून ताब्यात घेऊन 4.5 लाख किमतीचे 28 मोबाईल हस्तगत केले आहेत. तसंच त्याच्याकडे अधिक चौकशी केली असता आणखी 10 गुन्हे उघडकीस आलेत. उसके पास से हमको एफ आई ड्रग है करीब इनका 1 लाख की ड्रग जम्मू हुई है. हमारे जो कई पास की जो शेख है उनकी जो सेम है सेम है 3 लाख सेम है उसके बाद पसंद है. इससे पहले भी हमने काफ़ी बड़ा ट्रक का घोड़ा था हमारे ऑफिस में ये उसी का भाग है कि हमारी जो मुहिम है एक मुंबई में ड्रग नहीं आना चाहिए. ड्रग का नशा मुक्त कराई और उसको नशा मुक्त और ड्रग मुक्त करना है जो हमारा मिशन है. उसी का भाग है कि हमने ये एक जो दिल्ली रेस्टोरेंट है उसको पकड़ा है. उसके यहाँ से भी जो ड्रग देखना मिला आपको देश बात का बहुत अच्छी कार्रवाई. इसके लिए मैं सबका अनुरोध करता हूँ हमारे प्रतिकूल टीम है. और आपको मैंने किसी को बताया था कि हमने हमारे एरिया में जो विदेशी नागरिक है जो ओवर स्टे करते हैं जिसके पास में कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है कोई रूल सर्विस के पास में पासपोर्ट या बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है. ऐसे हमने करीब 1 साल में 80 लोगों को हमने रिपोर्ट किया हुआ है. उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है. प्रक्रिया होती है हमको कोई रिपोर्ट करते हैं कभी वो कोर्ट की प्रक्रिया को भी फॉलो करना पड़ता है. कभी किसी को देखो वो सब करने के बाद में हर साल आप रिपोर्ट करते हैं. इस बार 1 साल में करीब 80 लोगों को रिपोर्ट किया है. तो हमारी कार्रवाई है और हम वो सब कर भी करते हैं कि जब भी कोई विदेशी नागरिक आप अपने घर में कहीं उसको भाड़े देते हैं आप रहने के लिए उसको आप सर्टिफिकेट करें पुलिस को. हमारे जो रिजर्व बैठी है सभी नागरिकों के ऊपर कोई भी घर भाड़े में कोई भी घर में रहेगा भाड़े से पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए. मैंने बोलता है कि आप विदेशी लगाए था कि उनका इन्फॉर्म करें विदेशी नागरिक है उनके बारे में इन्फॉर्म करें